सब्सक्राइब कीजिए जेन्युइन टिप्स फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक वीडियो को देखने के लिए। आप देख रहे हैं जेन्युइन टिप्स फॉर यू और मैं हूँ आपके साथ सुस्मित। तो आज का जो टॉपिक है वो है आप आपके एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे आप 10 टाइम फास्ट कर सकते हो। वो भी आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने नहीं पड़ेगा, वो भी सेटिंग से ही है। तो सिंपल सा स्टेप है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। आपको पहले सेटिंग्स पर जाना है, उसके बाद आपको अबाउट पर जाना है, उसके बाद आपको जो बिल्ड नंबर है यहाँ पर आपको इसको 10 टाइम क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो डेवलपमेंट सेटिंग्स से है वो ऑन हो जाएगा। मेरा तो पहले से ही ये ऑन है, तो आप यहाँ से बैक करिए और आपका जो डेवलपर ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ के आने के बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन स्किल दिखाएगा, ये जो दिखा रहा है एनिमेशन स्केल। इससे क्या होता है, आपका जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट है एनिमेशन का वो दिखा रहा है। मेरा आप बहुत कम है तो मैं इसको ज़्यादा करके आपको दिखा रहा हूँ क्या होता है एक्चुअली। देखिए ट्रांजेक्शन स्केल जितना ज़्यादा किया उतना मुझे इसको ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए उतनी सारी टाइम लगेगी। बैक करने के लिए देखिए कितना स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फास्ट स्टेप में आपको ये देखिए कितना स्लो लग रहा है, लेकिन ये स्लो नहीं है, एनिमेशन ट्रांजेक्शन इफेक्ट है। तो आपको डेवलपर ऑप्शन में दोबारा से जाना है। जाने के बाद आपको फिर से एनिमेशन स्केल पे इंटर करना है। यहाँ से आप एनिमेशन स्किल को जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। यहाँ पर आप बंद भी कर सकते हो 0.0x, मतलब इसमें कोई टाइम ही नहीं लेगा। लेकिन आप चाहते हो कुछ थोड़ी इसमें एनिमेशन भी ट्रांजेक्शन का आए तो आप इस पर 0.2 या 0.4 आप रख सकते हो। हम मैं 0.5 रख लेता हूँ। ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल यहाँ पर भी आप इसको घटा करके 0.4 रख लेता हूँ। एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल कितने टाइम के लिए एनिमेशन आगे आएगा वो दिखा रहा है यहाँ पर, इसको भी आप 0.5 रख लेता हूँ। आप देखिए एक कितना फास्ट हो गया है। आपको फिर भी डेवलपर ऑप्शन में जाना है और दूसरा जो स्टेप है उसको करने के लिए आपको एकदम नीचे आ जाना चाहिए। आने के बाद आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिखा रहा है। पहला जो ऑप्शन है वो स्टैंडर्ड लिमिट है। इसमें क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड जो लिमिट है इसमें आपको आप मानो एक साथ 10 एप्लीकेशन या 20 एप्लीकेशन आप खोल रखे हो, वो आपका रैम जो है वो कंज्यूम कर लेगा और आपका फ़ोन स्लोली रन करेगा। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो नो बैकग्राउंड प्रोसेस है। इसको अगर आप सेट कर लेती हो तो आपका जो पर्टिकुलर ऐप चला रहा हो उस टाइम में वही एक्टिव होगा, दूसरा जो बैकग्राउंड ऐप है वो बंद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस ऐप को अगर आप काम में लेता हो तो कोई भी ऐप को मिनिमाइज कर रखा हो या वो हो तो वो दोबारा से रन करेगा, मतलब वो प्रोसेस में नहीं आएगा। तो मैं इस दोनों को आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ। सेकेंड थर्ड जो आ रहा है एटमोस्ट वन प्रोसेस, ये भी ठीक नहीं है आपके लिए। सेकेंड आपको जो मोस्ट टू प्रोसेस है ये है, आपको 3 मोस्ट प्रोसेस है या 4 मोस्ट प्रोसेस है, आप यहाँ पर 4 मोस्ट प्रोसेस रखिए। इससे क्या होगा, आपका जो 3-4 ऐप है आप जो कॉमन यूज़ कर लेता हो तो वो आपका बैकग्राउंड में रन करेगा और आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। तो इस वाले स्टेप को आप यहाँ पर सेट कर दो, देन आपका जो फ़ोन है उस पर आपको एक बार आपको रिबूट कर लेना चाहिए। मैं आपको अपनी फ़ोन आप रिबूट नहीं करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर एक बार रिबूट कर लो।
और करके आप यूज़ करके देखो और कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रहा है आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर अभी तक अपने चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो। और आपकी लग भी है अगर इस वीडियो में कुछ है या काम का है तो आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, और आपके मूल्यवान टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।